तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आगे एक न्यू वीडियो लेके इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कैसे करते हैं, यानी डीएक्टिवेट कैसे करते हैं। तो इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं, शॉर्ट वीडियो, उसमें आप लोगों को बताया था कि फ्लिपकार्ट अकाउंट को डीएक्टिवेट कैसे करना है। लेकिन मैं आज भी एक लॉन्ग वीडियो बनाया हूं, लॉन्ग वीडियो में आप लोग को पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कैसे इसको डीएक्टिवेट कैसे करना है। तो गाइस, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऑल पर, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास मिले। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपली से क्या करना है, आप लोगों को जो अपना फ्लिपकार्ट है उसको पहले ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद क्या करना है गाइस, इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप लोग जो अपना फ्लिपकार्ट है उसको प्ले स्टोर में जाकर अपना अपडेट कर लीजिए। फिर क्या करना है, आप लोग कहाँ पर आना, अकाउंट वाले सेक्शन में। अकाउंट सेक्शन आने के बाद क्या करना है, आप लोगों को फिर वेट करना है। यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन जाना है, यहाँ दिख रहा है आप लोगों को एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन, क्या करना है आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को फिर यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा। वेट करने के बाद जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके से आपके सामने आएगा। यहाँ पे आप लोगों को देख रहा नीचे दिख रहा है डाउन, आपको डीएक्टिवेट अकाउंट दिख रहा है। आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, सिंपली से इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे शो कर रहा होगा। नीचे आप लोगों को क्या करना होगा, अपना जो पासवर्ड है उसको पासवर्ड को पहले एंटर करना होगा, जो फ्लिपकार्ट का पासवर्ड है उसको एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद आप लोग यहाँ करना है कन्फर्म डीएक्टिवेशन। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो परमानेंटली यानी डीएक्टिवेट हो जाएगा। फिर आप लोग इसको एक्टिवेट भी कर सकते हैं। अगर आप लोग एक्टिवेट करना हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा कि एक्टिवेट कैसे करना है। तो आज वीडियो में इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।